ऑल्सो इन सेवेंथ क्लास कि हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर्स. सो देर आर थ्री टाइम्स ऑफ द थर्मोमीटर, सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन. मेनली ऐसा यूनिट हमारे टेम्परेचर की केल्विन होती है. अब इनके लोअर लिमिट हाई लेवल भी होते हैं. जैसे सेल्सियस में हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, कि हमारा शरीर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो मीन्स वी हैव अ फीवर और समथिंग इज प्रॉब्लम विद द बॉडी. सेम विथ फारेनहाइट, इट इज 98.6, दैट इज़ आर नॉर्मल टेम्परेचर. इससे ज़्यादा आगे पीछे होता है तो देयर इज सम प्रॉब्लम. सो केल्विन्स, तो इन सब स्केल्स के एक अपर लिमिट लोअर लिमिट, जहाँ बर्फ़ जमती है दैट्स 0 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल, एंड 100 पे बॉयल होने शुरू हो जाता है. वैसे फारेनहाइट की अपनी है, केल्विन में अपनी है. अब एक टेम्परेचर आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर. वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जहाँ तुम्हारे मोशन की जो अप मॉलिक्यूल तुम्हारे मूव करने रुक चुके हैं, द मॉलिक्यूल कांट हैव इन अ मोशन. अब मोशन में वो नहीं हो सकते, उस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो. वो एब्सोल्यूट जीरो ऑन द केल्विन स्केल. मेनली हम बात किस में करते हैं, केल्विन, क्योंकि दिस इज ऐसा यूनिट, तो टेम्परेचर में हमेशा केल्विन की बात करेंगे. टेम्परेचर लोअर देन एब्सोल्यूट इज नॉट पॉसिबल. मतलब जहाँ तुम्हारे मॉलिक्यूल मूव करने रुक चुके हैं, अब उससे नीचे और टेम्परेचर नहीं हो सकता. सो दैट इज योर एब्सोल्यूट जीरो. नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन को होने से कौन से फैक्टर छोड़ सकते हैं, लाइक टेम्परेचर. जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी जल्दी कपड़े सूखेंगे, जिस दिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी हो गई या टेम्परेचर बहुत ग्लो होगा, ठंड होगी, तो टेम्परेचर तब तुम्हारे कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं. सेकेंड इज सर्फेस एरिया. जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा उतने जल्दी कपड़े सूखते हैं. सो वैसे ही इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ले लिया, अभी ज़्यादा इसका सर्फेस एरिया ज़्यादा है, इसका कम, इसका बहुत ही कम, इसका है थोड़ा, तो जल्दी सूखेगा किस में, इसका पानी जल्दी वैपोरेट हो जाएगा. तो जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा उतनी जल्दी आपका वैपोरेशन होती है. एंड वाई कूलिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग वैपोरेशन, तुम्हें ठंडा क्यों फील होती है जब वैपोरेट होता है, यही प्रोसेस तुम्हारे मटकों में भी होता है, लाइक अर्थन पोर्स में पोर्स होते हैं, वहाँ पानी वैपोरेट हो जाता है और पानी ठंडा हो जाता है. सेम रीज़न इज है, जब तुम्हारे लिक्विड वापर में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट लेते हुए जाता है तुम्हारी सराउंडिंग से, एंड उसके जगह ठंडी हवा ने पार्टिसिपेट कर लेना. गर्म हवा बींग अ लाइटर वन, इट मूव्स आउट, एंड कोल्डर एयर बींग द हैवियर वन, उसकी जगह ले लेते हैं, इसलिए वो चीज़ तुम्हें ठंडक मच जाती है. सेम वो तुम स्वेट करते हो, जिस वेन यू आर स्वेटिंग कम अंडर द फैन, तुम्हारी जो हीट होगी इट विल वैपोरेट एंड इट विल द कोल्ड एयर विल टेक द प्लेस एंड तुम्हें ठंडक फील होगी. वैसे ह्यूमिडिटी आई हैव टोल्ड कि जितने ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी हवा में, ज़्यादा वापर पानी होगा, तो तुम्हारे कपड़े सूखने में टाइम लगाएंगे. वैसे मूवमेंट ऑफ एयर, जिस दिन हवा बहुत तेज़ चल रही होगी उस दिन भी कपड़े आराम से सूख जाते हैं. सो जितनी तेज़ हवा चलेगी योर क्लोथ्स विल ड्राई अप फास्ट, और जितनी कम हवा चलेगी देयर विल बी लाइक अ लॉट ऑफ नो एयर, मतलब बिल्कुल हवा ही नहीं होगी उस दिन स्लोली. पर टेम्परेचर पर भी मेनली डिपेंड करता है, जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और क्लोथ विल ड्राई अप फास्ट. सो वेन यू टॉक अबाउट टेम्परेचर, सो टेम्परेचर ज़्यादा होगा योर वैपोरेशन विल बी फास्टर वन, सेम सर्फेस एरिया विल बी मोर, योर टेम्परेचर विल बी मोर, सर्फेस एरिया विल बी मोर, सो विल वी हैव अ मोर वैपोरेशन. देन वैपोरेशन पहले कूलिंग, थर्ड पॉइंट इज मूवमेंट ऑफ एयर, जिस दिन हवा तेज चल रही होगी योर क्लोथ विल ड्राई अप फास्ट. सो वेन देयर इज अ लॉट ऑफ एयर, हवा बहुत तेज चल रही है, योर क्लोथ विल ड्राई अप फास्ट बाय ड्यू टू वैपोरेशन. एंड ह्यूमिडिटी इज अ वन दैट इज एक्सेप्शन, जिस दिन हवा में बहुत ज़्यादा पानी वाटर वेपर होगा दैट टाइम द टेम्परेचर विल नॉट इफेक्टेड. तुम्हारा टेम्परेचर में ऑलरेडी एटमोसफेयर में बहुत पानी है, अब और वैपोरेट करके कहाँ जाएगा, दैट टाइम द वैपोरेशन प्रोसेस विल गेट स्लो अप. नाउ दे आर गिवन द इफेक्ट कि एयर कूलर तुम्हारे फेल हो जाते हैं जब तुम्हारी बारिश सनी रेनी सीजन हो जाता है. समर में जब बारिश होती है तो तुम्हारे एयर कूलर्स फेल हैं. क्यों? बिकॉज एयर कूलर थ्रो वाटर ऑफकोर्स तुम्हारी ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं, तुम्हारी गर्मी जब बहुत होती है कूलर पानी फेंकते हैं, छिड़कते हैं पानी, तभी तुम्हें ठंडक फील होती है. और जिस दिन एयर कूलर तुम्हारे पर पानी फेंकेंगे, अब तुम्हारे सीजन में बारिश है, अब तुम्हारे गर्मियों में बारिश हो रही है, बारिश में ऑलरेडी तुम्हारे एटमोसफेयर में ऑलरेडी पानी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी देर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी इन योर एटमोसफेयर. सो एटमोसफेयर में ऑलरेडी इतनी पानी है, अब तुम्हारा वाटर कूलर जब पानी फेंकेगा तुम्हें ठंडक फील कब होती है, जब वो आपकी हीट सराउंडिंग से लेता हुआ, मतलब आपकी बॉडी से हीट लेता हुआ ठंडक देता है. अब ऑलरेडी इतना पानी है, वो हीट ना अपने होके वैपोरेट करते हुए लेके जाएगा नहीं, तो वो लेके नहीं जा रहा, तुम्हारा स्वेट की हीट नहीं लेके जा रहा, तब तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तो कुछ ठंडा महसूस हो रहा है. सो अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डू नॉट अलाउ द स्वेट टू वैपोरेट. अब इतना वाटर वेपर ऑलरेडी है तो वो अलाउ ही नहीं करेगा हीट को वैपोरेट होने के लिए. द एयर कूलर फेल्स टू सर्व इट्स पर्पज,
इन द रेनी डे, जिस दिन बारिश हो जाए समर वाले दिन, तो तुम्हारा एयर कूलर फेल है। सो वी नीड एयर कंडीशनर विच कैन रिड्यूस द ह्यूमिडिटी। तो हम एसी यूज़ कर सकते हैं जो एटमोसफेयर में ह्यूमिडिटी कम कर लेगा। नेक्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब कोई पानी का लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैसेस फॉर्म एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो तुम्हारा टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए। एंड इवेपोरेशन, जब लिक्विड वैपोरेट में कन्वर्ट हो जाता है, वाप में कन्वर्ट हो जाता है, बट एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम इट्स सर्फेस। सो बॉइलिंग तुम्हारा सर्फेस फिनोमिना नहीं है, जबकि इवेपोरेशन इज अ सर्फेस फिनोमिना। सर्फेस से पानी उठता है, अंदर बिल्कुल डीप नहीं, ऊपर ऊपर का पानी वैपोरेट कर जाता है। सो वी विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। एट विच तुम्हारी बॉइलिंग शुरू होती है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एंड एट द बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पानी खो चुका है, मतलब बॉयल होना शुरू हो गया, उस बॉइलिंग पॉइंट पर जो प्रेशर वो क्रिएट करता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो जस्ट रिमेंबर दिस। सो एट द बॉइलिंग पॉइंट, जब तुम्हारा पानी बॉयल हो रहा है, दैट टाइम जो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। यू ऑलरेडी नो वॉट इज इवेपोरेशन, लाइक योर ड्राइंग ऑफ क्लोथ, या पानी फेंक दो, अपने आप पानी इवेपोरेट कर जाता है ज़मीन पे जब गिरता है, दैट इज़ योर इवेपोरेशन। एनी टेम्परेचर, इट कैन हैपन इन एनी टेम्परेचर। फैन ऑन कर दो, पानी सूख जाएगा अपने आप। सो दे आर सेइंग, अब हम इवेपोरेट में क्या कर रहे हैं, कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे ना उसे, सो वो रैंडमली मोशन में आके लीव कैसे कर रहा है। सो दे आर सेइंग, एज वी नो वी हैव एवरी म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब लिक्विड में सॉलिड से कंपेयर करो कि उनकी अट्रैक्शन क्या होती है, कम। अब अट्रैक्शन क्या करते हैं, हर एक मॉलिक्यूल को अपने उसे सरफेस में रहने दे रही है। हर एक मॉलिक्यूल ट्राई कर रहा है कि उस सरफेस में रहे, बाहर ना आ जाए, एक दूसरे को पुल अप कर रहे हैं। पर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वो सरफेस पर आते हैं, वो गेन कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी आसपास के एटमोसफेयर के मॉलिक्यूल्स के कारण। कुछ मॉलिक्यूल कारण दे गेन दैट काइनेटिक एनर्जी, मतलब वाइब्रेट करने शुरू हो जाते हैं। जैसे वाइब्रेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी तो क्या होगा, दे विल स्टार्ट एस्केपिंग द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर से पानी इवेपोरेट कर जाएगा ड्यू टू सम रीजंस। कौन से रीज़न होंगे, या टेम्परेचर हो जाएगा, या हवा हो जाएगी, एनी रीज़न कैन बी द मोड, कि जिसके कारण जो एटमोसफेयर में जो आपके अपर लेयर में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, दे स्टार्ट इवेपोरेटिंग। सो दे आर सेइंग, हीटिंग ऑफ द लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक, ऑलवेज द हीटिंग विल हेल्प यू टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग वन, कहते हैं जैसे अब सर्फेस से निकल चुका है, अब मान लो आप तुमने बर्नर लगा दिया, अब सर्फेस के मॉलिक्यूल एस्केप किए, अब उसकी प्लेस के नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएंगे, फिर नीचे वाले और मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएंगे, तो स्लोली स्लोली ऑल द मॉलिक्यूल वी मूव अपवर्ड, और धीरे धीरे पानी बॉयल करता हुआ बॉयल हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पर तुम्हारा पूरा का पानी जितना भी था वो सारा इवेपोरेट कर जाएगा। तो द सेइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग एटमोसफेयर, आसपास का सराउंडिंग प्रेशर कितना है उस पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जितने से प्रेशर इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे ऊपर चले जाओ पहाड़ों पे, तुम्हारा प्रेशर कम होता है तो तुम्हारा पानी जल्दी बॉयल होने शुरू हो जाता है, मतलब 78 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे तुम नीचे आओगे एट सी लेवल, तुम्हारा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा होएगा पानी उतना ही टाइम लगेगा बॉइल करने में, लाइक इट कैन टेक एट 100 से ऊपर। डिस्कसिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, सो जब आप ऊपर चले जाते हो, एज द यू मूव अबव द सी लेवल एट माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में सुना होगा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक द फूड, ज़्यादा टाइम लगता है खाना पकाने में, क्यों, वहाँ प्रेशर बहुत कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तुम्हें खाना कुक करने के लिए। पर यहाँ एक लाइन लिखी है, एज यू मूव अप द प्रेशर इज़ लो, सो वाटर बॉयल बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, पानी जल्दी बॉयल हो सकता है। सो पानी जल्दी बॉयल होगा, वेपोरेट कर गया, मतलब तुम्हें बार बार पानी डालना पड़ेगा उस खाने को कुक करने के लिए। सो तुम्हें ज़्यादा हीट भी दे दोगे, स्टिल इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कुक फूड एट हिली एरियाज। तो उसे प्लेन से कंपेयर करो, इसलिए जनरली जो हिली एरियाज में होते हैं लोग कुकर्स प्रेफर करते हैं। अभी प्लेन्स में तो इतना प्रेफरेंस नहीं है जितनी ऊपर है, पर मेनली हमें प्रेशर कुकर में ही बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसमें प्रेशर क्रिएट रहता है। प्रेशर से क्या होगा, खाना जल्दी पकता है। सो ज़्यादा प्रेशर से कम टाइम में खाना जल्दी पक जाता है। वैसे अगर प्रेशर लो होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा खाना पकाने में। दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। बस हियर इट इज़ अ वन थिंग दैट कि बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है मतलब टेम्परेचर लो है। लो टेम्परेचर में तुम्हारा खाना बनाना डिफ़िकल्ट है, तो तुम्हें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए जल्दी बनाना के लिए खाना।
सो इट मीन्स जब भी तुम ऊपर जाओगे हिली एरियाज में जाओगे, खाना पकाना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि प्रेशर बहुत कम है। तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो कम टेम्परेचर में तुम्हारा खाना जल्दी बन जाएगा। सो दे हैव डन सम एक्टिविटी दैट इज़ लाइक, अगर तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो एक स्टैंड लो, जस्ट एक स्टैंड, एक बीकर लो, पानी लो, बर्नर लो, वायर गैग लो, जिसके नीचे रखने होता है, डायरेक्ट हीट नहीं देनी होती बीकर को, इसलिए वायर गैग रखा जाता है, एंड थर्मामीटर लो, स्टार्ट हीटिंग इट, यू विल सी अब पानी का टेम्परेचर क्या बढ़ने शुरू हो गया एट 100 डिग्री, जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचा, अब तुम्हें आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी बॉयल होने की, स्टार्ट बॉइलिंग, अब टेम्परेचर रुक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रुक चुका है और तुम्हारा पानी बॉयल होने शुरू हो गया है, सो मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। देन दे हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर पे हो जाता है, बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पर। इवेपोरेशन से सर्फेस फिनोमेना है, जबकि बॉइलिंग पूरा का मास, जितना लिक्विड है उसके हर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेन द वेपोरेशन में जो मॉलिक्यूल सर्फेस पे पहुँचते हैं वो ही काइनेटिक एनर्जी लेते हैं और एस्केप कर जाते हैं। वेरेज जब बॉइलिंग की बात करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स ओवरऑल अपनी काइनेटिक एनर्जी ऐसे बनाते हैं ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर एस्केप कर जाएं एंड कन्वर्टेड इनटू अ गैशियस फॉर्म। इवेपोरेशन में वो हीट किससे ले रहा है, एटमोसफेयर की, आसपास की सराउंडिंग की हीट लेकर वो इतनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं ताकि वो एस्केप कर सकें। वेयर एज हेयर वी आर अब सप्लाइंग सम हीट एट फिक्स टेम्परेचर। इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, जब तक वो टेम्परेचर का लेवल रीच नहीं करता तब तक वो चेंज नहीं करेगा स्टेट। हेयर इट इज़ अ रैपिड बॉइलिंग, जल्दी हो जाती है। इवेपोरेशन इज अ साइलेंट प्रोसेस, तुम्हें आवाज़ नहीं आती, जब पानी बॉयल हो रहा था आवाज़ आती है, इट्स साउंडी, नॉइस क्रिएट करता है।